नहीं जी, उपटन के कपड़े पहन के आपको मेहंदी पे लेके जाऊं। नहीं बब्बू जी, मेहंदी आ गई जी, बब्बू मार मॉल के। जी का गाना आया है। ये भी मेहंदी पुराने का रंग कोई आपने पहना हुआ है। ना। जद तू तुरदी हान दिए साडी जिंद खुरदी, जद तू तुरदी हान दिए साडी जिंद खुरदी, तेरा पैर निकल गया ओए 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 पैर निकल गया, तेरा पैर निकल गया घर तो बई हुण तू ना मुड़दी, अड्डियां नू मेहंदी लाके ओए तेरा पैर निकल गया घर तो बई हुण तू ना मुड़ दे। इन लपना मिर्जा खर लांदा है, इन मजनू मजनू फड़ना है, इन चनों बिच तरना है, इन बब्बू बब्बू करना है, इन लपना मिर्जा खर लांदा है, इन मजनू मजनू फड़ना है, तप तप के अग ते पणदी है ए पेसी गुड़दी, अड्डियां नू महिंदी लाके ओए पंजियां ते तुरदी, तेरा पैर निकल गया घर तो बई हुण तू ना मुड़दे। ये तो पहले भी देखी हो रहा है, भंगड़ा ही डाल रहे हो, ये भी भंगड़ा ही है। यार डिफरेंट स्टाइल का पकड़ा है, बस ये है। सिरी उत्ते फुल सगीदा लक पतला लहंगा फबीदा, देख चौवन तितरी बगीदा सौदा महंगा इश्क दी लगीदा, सिरी उत्ते फुल सगीदा लक पतला लहंगा फबीदा, देख चौवन तितरी बगीदा सौदा महंगा इश्क दी लगीदा। मैं सुने मोहल्ले माना दे जाके नहीं मुड़दी, अड्डियां नू मेहंदी लाके ओए पंजियां ते तुरदी, अड्डियां नू मेहंदी लाके ओए पंजियां ते तुरदी, तेरा पैर निकल गया घर तो बई हुण तू ना मुड़दी, तेरा पैर निकल गया ओए 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 पैर निकल गया, तेरा पैर निकल गया घर तो बई हुण तू ना मुड़दी, मैंने ये पूछा था, अड्डियां जो होती है वो हील नहीं होती? हाँ हील ही होती है ना, हाँ। टखने तो नहीं ना होते? अड्डियां वो ऐसे कह रहा ना कि अड्डियां, हाँ तो अड्डियों पे अगर उसने लगाई हुई है तो अगर पंजों पे जाएगी भी तो वो फिर वो भी तो खराब हो ही जाएगी, पंजों की तरफ नहीं लगाई होगी ना। अजीबोगरीब ही मेहंदी है ये, नहीं आधे पैर पे मेहंदी सजा के क्या अजीब हाँ। सा डिजाइन होगा वो। वीडियो पे मेहंदी लगाई नहीं, ये भी कोई कोई स्टाइल होगा? नहीं 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 स्टाइल नहीं है ये, कोई जैसे यानी जैसे बंदा जैसे ताना बाना नहीं, वह कोई बंदा कहता है कि यार जैसे वो एक और लाइन भी जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल की कि अब घर से पैर निकल गए तेरे अब हम नहीं मुड़ दी, वो वाला ही ये किस्म का है कि जैसा बंदा नहीं देखो जब पूरे पाँव पे मेहंदी लगाई होती है ना तो
पूरा पाँव जमीन पे रखेंगे तो सारी मेहंदी उतर जाएगी। तो पैर जमीन पे रखना क्यों है पाँव पे मेहंदी लगा के, ये कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए वो सिर्फ कि थोड़ा सबर कर जा, जब मेहंदी सूख जाएगी तो तब चल, तब यही तो वो एक किस्म का मुझे कह रहा हूँ ना कि वो ताना है किस्म का, कि तेरे पैर में ना इनके एक किस्म की वो चक्री है। चलो जो भी हो, तुझे सुकून नहीं है अब तेरे इनके, अब पैर अब यानी जैसा चल पड़ी है अब तू जैसा, वो मुझे लग रहा है, मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मेरे मुझे ऐसा फील आ गई है जो मिनटों में सूख जाती है, अब तू इंतजार भी नहीं करना पड़ता, वो लगाते हैं लोग पुराने दौर के दिखा रहे होंगे। हाँ जी पहले तो ऐसे ही होता था, ये मुझे पर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आप जो ईद पे रात को मेहंदी लगाते थे हमारे डैडी, वो ऐसे मेहंदी रख के हमारे ऊपर बांध देते थे रुमाल दोनों हाथों पे, और जब हम सुबह उठते थे सोए हुए तो फिर जैसे वो देखते थे तो मेहंदियाँ उनका रंग आया होता है। तो लेकिन यहाँ भी आ जाती थी ना, इधर भी लग जाता था, हर तरफ ही पूरे वो, और एक दूसरे से भी डिज़ाइन मैच करते थे क्योंकि हर एक का अलग होता था डिज़ाइन, जिस तरह जिसकी मुट्ठी बंद होती थी ना उस तरह का ही वो रंग आता था और उस तरह का डिज़ाइन बना होता था लकीरों का। तो पहले सारी रात इंतज़ार करते थे रंग चढ़ने का शायद, इसलिए जब हम सोए होते थे सोए में लगाते थे वो दोनों हाथों में मेहंदी लगा के ऊपर से कपड़े बांध देते थे। ना मुझे मुझे जिस तरह से समझ आया, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ या अगर नहीं भी तो बताएं कि इसकी क्या वजह क्या है ये कहने की, या सिर्फ ये बस एक वैसी एक लाइन है। तो बाकी देखें एंजॉय करें, हमें तो अच्छा लगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।